Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to Yog Vashishth Evening Session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर, आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सायंकाल के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह इस सत्र की शुरुआत हम लोग तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। टुडे वी आर ऑन डे 89th, आज हम लोग 89th डे पे पहुंच चुके हैं। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। Today we will be looking at there is a movie called Matrix. Now this movie is like Matrix, Inception, Interstellar. We already seen the review, the spiritual and the scientific review and the Yog Vashishtha perspective. How the Yog Vashishtha concepts are utilized in this particular movies. We have already seen the for two movies earlier. This Sunday we will be looking at the third movie called Matrix. So, रोज की तरह हम लोग तीन बार ओमकार का उच्चारण करके आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। लेट्स सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। लेट्स ब्रिंग बैक अवर अटेंशन टू अवर ब्रेथ, अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले, ब्रेथ इन एंड लेट गो। Take one more deep breath and as you breathe out, relax totally, puri tarah se vishram kare. Witness this infinite moment, is anant kshan ke bare mein sajag ho jaye. ओंकार उच्चारण के लिए गहरे लंबी सांस अंदर ले, ब्रीथ इन ओ, let us awaken the divinity within. Guru ka avahan kar le, avahanam पुनः पुनः
गुरु वंदना कर ले। Let us express our gratitude to the divinity. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devau Maheshwarah, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Shri Gurave Namaha. गुरु से प्रार्थना कर ले। Let us pray to the divine, to the master. अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, whatever the words that come out of this mouth, अपनी सारी क्रियाएं और जो घटनाएं आजू बाजू में घटित हो रही है वो, और अपने मन के अंदर आने वाले विचार, वॉट एवर द एक्शंस एंड इवेंट्स आर हैपनिंग अराउंड एंड द थॉट्स होवरिंग ऑन टू द माइंड, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अराइजिंग इन अवर इंटेलेक्ट, अपने स्मृति पे तैयार हो रहे संस्कार यदि हो रहे हो तो, the impressions which might be getting created on our memory, if so, और यदि अब भी वह अहम की भावना थोड़ी भी बाकी है, if still there is an iota of that I, me, let that be and all this be inspired by the master alone. Pray like this. We the people walking on the path of mukti, moksha, liberation, nirvana, we experience that nirvana, that mukti, moksha right now, this moment, or if you are already free, let this remaining life, and if you have to come back here again, as our own free will, or with the inspiration from the master to serve the world, to express our gratitude, or to spread the knowledge, let all that be inspired by the master alone. Feel the presence of the master within and outside, and with a gentle smile on your face, you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। चलो तो आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। Let's continue with our today's session. Today we will be looking at a movie called मैट्रिक्स। आज हम लोग एक मैट्रिक्स नामक जो मूवी बनी थी, जो योग वशिष्ठ के ऊपर बनी थी, इसके सिक्वेल्स है। ये मूवी एक ही नहीं है, मूवी के सिक्वेल्स भी है। मैट्रिक्स रीलोडेड सेकंड वर्जन है एंड मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन इसका थर्ड वर्जन है। आज हम लोग जो इसका पार्ट बन जाए, जो फर्स्ट मूवी कॉल्ड द मैट्रिक्स, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है। कहते हैं किसी भी मूवी को या किसी भी चीज को आपको समझना है तो आप पहले उनके अंदर जो कैरेक्टर्स है, अलग अलग कैरेक्टर्स, उनको आप समझ ले, उनको जान ले, तो आपको स्टोरी समझने में काफी आसानी भी हो जाती है और चीजें अच्छे से समझ में भी आती है। तो यहाँ पे हम लोग द मैट्रिक्स नाम की मूवी जो देखते हैं, हमने आज दोपहर को भी इसको प्ले किया था। आई रिक्वेस्ट भी किया था, दोज हु वांट्स टू सी इट, वो अमेजन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑडियो में मूवी मिल जाती है,
जिस लैंग्वेज में आपको पसंद है यू कैन वॉच दिस मूवी। तो यहाँ पे हमें दिखते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स। यहाँ पे नियो नाम के एक कैरेक्टर होते हैं जिनका मैट्रिक्स में नाम एंडरसन होता है, और जो उनका अपना एक उनका एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर यह रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो हैकिंग करते हैं, सिक्योरिटी को हैक करते हैं, उस हैकर की रोल पे जब ये काम करते तो अपने आप को ये नियो बुलाते हैं। तो इसके बाद में फिर यहाँ पे मॉर्फियस नाम का और एक कैरेक्टर होता है कि जो मॉर्फियस कैरेक्टर होता है जो ये मैट्रिक्स के बाहर रहता है, और उसके अपने कुछ साथी रहते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। इनका ऐसा मानना होता है कि ऐसा कोई तो जो है जो बेसिकली मानते कि हम लोग रियल वर्ल्ड में यहाँ पे रहते हैं, ह्यूमंस जो रहते हैं मानव, और जो मैट्रिक्स है वो एक अनरियल वर्ल्ड है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या अनरियल वर्ल्ड है, एक मायाजाल है जिसमें काफी सारी उनकी ह्यूमैनिटी जो है वो फंसी हुई है। और यह सब कुछ क्यों होता है, क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे भी उसको देखेंगे। देन इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही वह मैट्रिक्स के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे एजेंट्स दिखते हैं। तो तीन एजेंट्स यहाँ पे बताए हैं, उनमें से एक एजेंट का नाम रहता है जो उनका मेन बॉस रहता है, लीडर रहता है, मिस्टर स्मिथ करके। तो वो स्मिथ का रहता है, उनके दो और एजेंट बताए हैं, उनके नाम हम तो बताए नहीं, लेकिन यहाँ पे दो एजेंट उनके साथ बताए। तो ये एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स माने क्या, तो ये अगर सॉफ्टवेयर के टर्मिनोलॉजी देखें तो दीज आर ऑल इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं। 1999 में जब मैंने अपना एमटेक किया था, दैट वाज द टाइम हम लोग इसको पढ़ाई करते थे, तो इंटेलिजेंट एजेंट्स का कॉन्सेप्ट तब पढ़ा था, उसके ऊपर एक सेमिनार भी दिया था। देन इसके बाद में और एक कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई देता है, ट्रिनिटी नाम, जो या इस पिक्चर की हीरोइन हम लोग कह सकते हैं। तो वह ट्रिनिटी रहती है, वह भी इस मैट्रिक्स के बाहर रहती है और वो ह्यूमनों को वहां पे मदद करते हुए दिखाई देती है। देन इसके अलावा इनकी एक बाहर माने मैट्रिक्स के बाहर एक जियोन नाम की सिटी दिखाई गई है, जहां पे जिस तरह से हम लोग यहाँ पे अपना जिंदगी जी रहे उस तरह से वहां पे भी कुछ जो ह्यूमंस रहते हैं वो अपनी बस्ती बना लेते हैं, वहां पे उनका रिप्रोडक्शन चलता है, वहां पे उनके खुद के प्रॉपरली बच्चे जो होते हैं प्रॉपर डिलीवरी होके पैदा होते हैं वहां से। तो वहां पे रोजर और जो टैंक रहते हैं, ये दो ह्यूमन वहां पे दिखाए गए, वो उनका जन्म उस तरह से होता है, नॉट इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में नहीं। देन इसके बाद में और एक कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है, रिगन करके जो बोलते हैं इसको, अंदर मैट्रिक्स के अंदर, बाहर उसका नाम साइफर रहता है। और देन बाकी के और दो चार उनके साथी दिखाए गए, इपोक नामक है और दो चार साथी है जिनका ऐसे रोल है टू सपोर्ट एंड ऑल दैट। इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे पूरी मूवी में हमें दिखाई देते हैं। तो चलो इन कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है, ये मूवी कैसे आगे बढ़ती है, तो मूवी का जो प्लॉट है वो स्टोरी लाइन क्या है, उस स्टोरी लाइन को अभी हम लोग पहले देख लेते हैं। देन इसके तीन पर्सपेक्टिव हम लोग देखेंगे। पहला पर्सपेक्टिव देखेंगे कि इसमें जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इसमें क्या हो सकता है। देन इसका और एक एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे, इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है। देन इसका हम लोग तीसरा एस्पेक्ट देखेंगे योग वशिष्ठ के, जो अपने सत्र चल रहे हैं योग वशिष्ठ में जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जो लर्निंग्स हमको मिलते हैं, उन लर्निंग्स को यहाँ पे मैट्रिक्स वे में किस तरह से यूज किया है, ये सारे एस्पेक्ट को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। लेकिन आपको यदि मूवी नहीं पता है, यदि उसकी स्टोरी लाइन नहीं पता नहीं है, तो इन सब बातों को थोड़ा रिलेट करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मूवी का प्लॉट क्या है, मूवी की स्टोरी लाइन क्या है। तो यहाँ पे मूवी शुरुआत होती है एक रिंग बजने से, स्क्रीन पे कुछ तो कैरेक्टर, डिजिटल कैरेक्टर दिखते कंप्यूटर पे, और एक रिंग बजती है और वहां पे जो ट्रिनिटी नाम की जो वहां पे हीरोइन रहती है, वो अपने आप को उस मैट्रिक्स मूवी में मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर जो रहता है उसमें पाती है, उसको ये लोग मायाजाल बोलते हैं। इसको देखेंगे कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से सॉफ्टवेयर कैसे होता है, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से यह कैसे माया होती, दोनों एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे। बट राइट नाउ लेट्स रेफर इट ओनली एज अ मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स में होती है। तो फिर जैसे वो मैट्रिक्स में होती है, यहाँ के इनका मैट्रिक्स में जाने का जो तरीका यहाँ पे बताया गया है, तो वहां पे एक फोन रिंग बजती है और ये अपना जो डिवाइस होता है उसको कनेक्ट करके उस मैट्रिक्स में ये लोग घुस सकते हैं, बाहर के जो रियल आदमी जिनको बताया गया। तो ये जो ट्रिनिटी रहती है ऐसे ही रियल रहती है,
और अपने वो मैट्रिक्स के अंदर घुसती है। जैसे वहां पे उसे बाहर निकल का निकलने का तरीका भी है कि उनको फोन लाइन के जरिए पे कनेक्ट करना होता है। जैसे वो फोन लाइन के जरिए कनेक्ट करते हैं, वो वहां से मैट्रिक्स के ऊपर से बाहर निकल के वो रियल दुनिया में आ सकते हैं। अच्छा, तो ये जब दिखाया गया है तो इसके लिए इस मूवी यहाँ से शुरुआत होती है, मूवी आगे बढ़ती है, लेकिन इस मूवी को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड का समझना बहुत आवश्यक है जो इस मूवी में दिखाया ही नहीं है। एक एंटी मैट्रिक्स नामक कार्टून जो आता उसमें इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे उसका नमूद भी किया लेकिन पूरी तरह से नहीं इसमें बताया मूवी में, तो वो देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। तो बोलते ये जो अभी जो एक्चुअल जो सदी चल रही है टाइम के अनुसार देखो तो ये 21वीं सदी चलती रहती है अभी, लेकिन जो 20वीं जो सदी रहती है मतलब 1900 जो सदी रहती है उसके एंड में और 21वीं सदी की स्टार्टिंग में वहां पे रिसर्च वगैरह होता है ना, तो इस तरह का जो रिसर्च वगैरह होता है उसकी वजह से वहां पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है उसके ऊपर काफी रिसर्च होना शुरू हो जाता है। और आखिरी में ये लोग अपना जो ह्यूमन रोबोट्स जो होते हैं ह्यूमनाइड रोबोट जो होते हैं वो बना लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि जो IBM है उन्होंने जो अपना एक सोफिया नामक ह्यूमनाइड रोबोट बनाया है और उस रोबोट को यहाँ पे सऊदी अरेबिया में उसको नागरिकत्व उन्होंने उसका सिटीजनशिप भी यहाँ पे दी गई है, तो उनको मान सम्मान एक ह्यूमन के बात भी दिया गया है आज के अपने वर्ल्ड में, ऐसा राइट नाउ हुआ है, दिस हैज हैपेंड। देन इसके अलावा और एक चीज हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये जो मूवी हो रही है उसके पहले ऐसे ही कुछ जो अभी अपनी दुनिया में जो चल रहा है ऐसे ही कुछ वहां पे बैकग्राउंड हुआ था, ऐसे दिखाया गया है, मूवी में नहीं दिखाते, ऐसा बैकग्राउंड उसका था, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो फेसबुक जो है गूगल है काफी सारे लोग इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं काफी सारा, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अलग अलग तरीके से यूज भी करते हैं। जैसे अपने घर में अलेक्सा है जो अमेजोन का प्रोडक्ट है, उसको आप वॉइस कमांड हो तो आपके गाना प्ले करेंगे, वो सब कुछ छोटे छोटे रिमोट भी बनाते हैं जो आपके घर की साफ सफाई करेंगे, आपको अपनी दुनिया में हेल्प करेंगे, ये तो सब कुछ तो ऑलरेडी हो ही रहा है। तो ये दिट इज बिकॉज ऑफ पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इसके ऊपर रिसर्च करते करते जो फेसबुक ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ये जो सॉफ्टवेयर एंटिटीज जो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उन्होंने रोबोट बनाए थे, फिजिकल रोबोट की बात नहीं करो, रोबोट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली, एंड जब उन्होंने उनको खुला छोड़ दिया टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो पहले तो ये उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे जो ह्यूमन को समझ में आते थे, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो या इंग्लिश बोलो वो लैंग्वेज। लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि कुछ देर के बाद इन दोनों रोबोट्स ने जो एंटिटीज थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एंटिटी थी दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, दो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन इस तरह से करने लगे कि वो एक कुछ बोलता था इसको समझ में आ जाता था, ये कुछ बोलता था इसको समझ में आ जाता था, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ह्यूमन को ही समझ में नहीं आता था, इट वॉज इन अ कोडेड लैंग्वेज। तो बोलते ये ऐसा हो गया तो ये लोग क्या बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या कम्युनिकेट करेंगे, हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, और हो सकता है कि ये सारे मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीनें वो हमारे ऊपर ह्यूमैनिटी के ऊपर कब्जा पा ले। और इस मैट्रिक्स मूवी में, मैट्रिक्स मूवी के पहले काफी पहले साल पहले 100 साल पहले ऐसे ही कुछ होता है घटित, उससे पहले बहुत कुछ देखा है जब ये ह्यूमैनाइड रोबोट बन जाते हैं, फिर ये ह्यूमैनाइड रोबोट से कुछ तो अपने ही डिफेंस में किसी का खून हो जाता है और जो ह्यूमनाइड रोबोट होते हैं वो अपने आप को डिफेंड करते हैं कि मैंने सिर्फ अपने बचाव के रूप में उस व्यक्ति को मारा था, इसलिए जैसे तुम्हारा ह्यूमन लॉ है उसके अंदर मुझे भी कुछ सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सब डिबेट चलता है और फिर पूरी दुनिया के जो कुछ लोग होते हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक लोग रहते हैं कि उसको सपोर्ट करते, दूसरे रहते कि नहीं नहीं ये बहुत खतरनाक है, ऐसा हमको इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा करते करते जब उनको अधिकार नहीं मिलता है तो जो कुछ लोग रहते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं वो मिलके और ये मशीनें मिलके प्रोटेस्ट करती है, फिर जो प्रोटेस्ट करती है तो जो ह्यूमंस जो रहते हैं ये तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, फिर उनके नाना तरीके से वह उनके ऊपर हथियार आजमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वह मशीनों को वहां पे नष्ट कर नहीं पाते, ऐसे चीजों में काफी सारे ह्यूमंस मर भी जाते हैं। फिर उसके बाद में और एक वो तरीका अपनाते हैं कि अरे जो रोबोट्स है ये तो सारी जो एनर्जी है ना वो सोलार से ले रहे हैं, तो वो एक डार्क वन नाम का एक क्या करते हैं अपना जो एंटायर अर्थ है उसके आजू बाजू में इस तरह से एक एनवायरमेंट बना देते हैं कि सूर्य की रोशनी यहाँ पे पहुंचे ही नहीं,
वो उसके ऊपर भी वह कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यह जो रहते हैं, यह जब देखते हैं कि ह्यूमन जब इनको कनेक्ट करते हैं तो ह्यूमन जो रहते हैं उनके अंदर जो ऊर्जा जो होती है, इनको खाना पीना खिलाओ तो इनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा को 120 होल्ट तक की जो ऊर्जा निर्मित एक इंसान कर सकता है, तो इसी इंसान की ह्यूमन एनर्जी को हम लोग यहाँ पे अपनी मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं। ये सब वो देखते हैं, सोचते हैं, तो यही ऐसा करने लगते हैं। तो फिर उसके बाद में जो ह्यूमन जो बच्चे कुचे रहते हैं वो क्या करते हैं, फाइनल उनका जो हथियार होता है एटम बॉम्ब न्यूक्लियर पावर उसको यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि ये पूरे जग से जो बाकी बच्चे कुचे इंसान रहते हैं वो काफी सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर अभी पूरा जो राज्य होता है वो उसका है मशीनों का राज्य। अभी मशीन क्या करते हैं, ये जो हमने जो इंसान जो है उसकी खेती करते हैं वो लोग, माने इंसानों को पैदा करते हैं आर्टिफिशियली और उन इंसानों को वही जो उनमें से कुछ इंसान मर जाते हैं तो उनको ही उनकी लिक्विफाई करके इनको ही वो खिला देते हैं लिक्विड के जरिए। जैसे माँ की गर्भ में बच्चा पलता है ठीक उसी तरह से यह प्रक्रिया होती है, वहां पे टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ सब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे ही अंडे बनाते रहते हैं और ऐसे ही ह्यूमंस पैदा करते रहते हैं जस्ट उनको एक बैटरी के रूप में यूज करने के लिए उसके अलावा। लेकिन उसमें एक खतरा रहता है कि ह्यूमन है, ह्यूमन तो माइंड है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इनको कुछ काम धंधा ना दिया जाए तो ये तो फिर जाग जाएंगे, हमको तो इनको सुलाए रखना है, इनको तो स्वप्न की दुनिया में ही सुला के रखना है, ये बाहर आएंगे तो बाहर आने की कोशिश करेंगे, फिर अपना वो काम नहीं करेंगे और हमको फिर उनको कंट्रोल करने में ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर देते हैं, एक माया जाल का निर्माण कर देते हैं। उस माया जाल को यहाँ पे मैट्रिक्स कहा गया है, द मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, वह एक माया जाली होता है जो माने सपनों की दुनिया ये होती है। तो इसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट इज अनरियल वर्ल्ड, हमें पता नहीं है कि हम लोग मैट्रिक्स में है, माया जाल में है या सचमुच में रियल है, कोई बता नहीं सकता, बिकॉज मैट्रिक्स कभी आपको ये चीज पता लगने ही नहीं देता, ये पावरफुल इतना होता है, माया जाल इतना पावरफुल होता है तो मैट्रिक्स में रह के आपको ये पता लगने ही नहीं देता, मैट्रिक्स विल नेवर गिव यू एन आंसर। तो इस आंसर को फाइंड आउट कौन कर सकता है, तो बोलते तुम ही सिर्फ सक्षम हो इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हम गुरुदेव भी बोलते हैं, अपना जो सेल्फ है, जो आत्मज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा सेल्फ कौन सक्षम है, तो बोलते तुम ही सिर्फ चलो, मैं कौन हूं का आंसर जो है वो तुम्हें ही खुद को ही ढूंढना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ जाता है। तो देन कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स जो बना लेते हैं लोग, उसमें क्या करते हैं, पहले इसके मैट्रिक्स के जो अलग अलग वर्जन होते हैं, जो मैट्रिक्स मूवी में अभी हमको दिखाया गया दैट इज अ सिक्स्थ वर्जन, इसका यह छठा वर्जन रहता है। मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव से, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर का जो ये होता है छठा वर्जन यहाँ पे होता है। तो जो पहला वर्जन जब ये बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इंसान को कुछ करना ना पड़े, आराम से बैठे एंजॉय करते रहे, तो ऐसे इंसान को सब कुछ ऐसे ऐशो आराम सब कुछ देते, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा पद, उनको जो चाहिए वो उनको सब दे देते, बिकॉज उसे प्रोग्रामिंग ही करना है, तो फिर सॉफ्टवेयर में बना रहे तो उनको देखे, उनको कनेक्ट देखे, उनके ह्यूमन माइंड में ये लोड कर देते हैं सॉफ्टवेयर और इंसान को लगता है कि सब कुछ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इंसानी को फितरत रहती है कि जब तक उनके जीवन में दुख नहीं हो, जब तक उनके जीवन में कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो, कुछ अपोजिट्स नहीं है, तो उनको उनके मन में डाउट आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज उन्होंने तो दुनिया तो जीत हो चुकी होती है ना, उनको तो पता रहता है, मतलब तो ये समथिंग फिशी है, ऐसा तो हो नहीं सकता, जीवन में तो दुख आते हैं, जीवन में तो ये आता है वो आता है, सब कुछ तो आता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो देन वो क्या हो जाता है, वो मैट्रिक्स प्रोग्राम, ये लोग धीरे धीरे उठने लगते हैं और वो मैट्रिक्स प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। फिर बोलते उसको बनाने के लिए दूसरा जब बनाते तो वहां पे एक ओरैकल नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है। यहाँ पे ओरैकल के बारे में कुछ काफी सारे लोग जो मूवी देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि ओरैकल जो रहती है वो तो एक सुप्रीम पावर रहती है और वो तो लोगों को ह्यूमन को भविष्य वगैरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो जो ओरैकल रहती है वो ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही रहते हैं और उसका काम ही रहता है कि ह्यूमंस को ठीक से समझना, उनके बिहेवियर को समझना और उनके समझ के उनसे फिर उस तरह की दुनिया बनाने में हेल्प करना, जो वर्जन 2 वर्जन 3 4 5 6 में आता है, उस तरह से वो हर बार उसको मॉडिफाई करते करते बनाते रहते हैं। जब ये सिक्स्थ वर्जन बन जाता है तो इनके ख्याल में एक आता है कि जब भी हम लोग ये नया वर्जन बना रहे हैं उसमें कुछ और एक ऐसी चीज जो होती है जिसको ये लोग एनोमली के नाम पे कहते हैं, जिसको वो सोर्स कोड ही होता है और वो सोर्स कोड उसके पास होने की वजह से उसके पास सब पावर्स हो गए ना, सब मोस्ट पावरफुल, उसको वो लोग द वन करके बुलाते हैं। तो हमने देखा कि यह जो नियो रहता है यह
यह भी इसी की तलाश में रहता है, जो मॉर्फियस रहता है यह भी इन सभी चीजों की तलाश में रहता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। तो ये होता है अपने मूवी का बैकग्राउंड नो। तो इसकी वजह से यहाँ तक वो लोग पहुंच चुके होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मशीनें क्या करते हैं, इनको इल्यूजन में फंसाने के लिए पूरी तरह से जो इंसानों की एग्जैक्टली जैसी दुनिया रहती है वैसे ही दुनिया का निर्माण कर लेते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस कर लेते हैं, लोग खाते पीते हैं, लोग सोते हैं, झगड़ा करते हैं, प्रमोशंस लेते हैं, पता नहीं पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर सारे विकार वहां पे डाल दिए जाते हैं, सब कुछ वो वहां पे करते हुए दिखते हैं। तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखे तो ये वर्ल्ड में भी ऐसे ही सब कुछ यहाँ पे पूरी तरह से नियति जिसको हम लोग कहते हैं वो नियति ने हमें वो बना दिया है, इस तरह से ये सारी चीजें फंक्शन करेगी। आप इसमें ऐसी तरह से फंसते रहोगे, अटकते रहोगे। लेकिन इसमें ये लोग क्या करते हैं, जब वो वर्जन टू वर्जन थ्री बनाते हैं तो उन इंसानों को एक फ्रीविल नामक चीज भी दे देते हैं। जैसे हमको भी अपनी चॉइस करने के लिए एक फ्रीविल हमेशा होता है, जो अंतरात्मा होता है वो बताता है अपने को, एंड देन वी ऑलवेज हैव चॉइस टू मेक नो, एक फ्रीविल होता है। तो ये भी उनमें वो इनबिल दे देते हैं। और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, जैसे कि ये मशीन जो रहते हैं, ये मशीनों के ऊपर इंसान कभी जीते ही नहीं, तो जानबूझ के क्या करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये फ्री कर देते हैं, इनके ऊपर बाहर छोड़ देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, इनका मेन पर्पस क्या रहता है, जो द वन रहता है, बिकॉज मैट्रिक्स उस द वन को ढूंढ नहीं पाती, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर में ही है, सोर्स कोड उसके पास है, तो उसको कैसे ढूंढ पाए, उसको सोर्स कोड तक, उसको जो आर्किटेक्ट है उसको तक पहुंचाने के लिए। आर्किटेक्ट वगैरह का फंडा नेक्स्ट मूवी में आता है, रिलोडेड में एंड रिवॉल्यूशन में, लेकिन अभी समझने के लिए इसको यूज करें। तो बोलते इसको ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, जानबूझ के इंसानों को, कुछ इंसानों को छोड़ देते, वो इंसानों ही अपनी जियोन नाम की एक सिटी बना लेते, वहां पे रिप्रोडक्शन वगैरह करने करके बच्चे पैदा करते रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में क्या हो चुका था, पूरी तरह से मशीनों का यहाँ पे राज है, और ये ऐसे कुछ लोगों को यहाँ पे जानबूझ के छोड़ देते किसके लिए, इन इंसानों को क्या लगता है, हम लोग उस अवतार को जो ओरेकल रहती है वो उनसे संपर्क बनाती है और ऐसा दिखाती कि मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ, और उनको हेल्प करते करते वो क्या करती है, उनको बताती है कि तुम्हारा ये एक अवतार आएगा, वो अवतार तुम्हें हेल्प करेगा, और ये सारे लोग उसको ढूंढने में लग जाते हैं। ये लोग ह्यूमन ही होते हैं, इनके पास भी इंटेलिजेंस होता है, तो ये कैसे तो भी करके उस मैट्रिक्स को कनेक्ट करने का लूप होल रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और कनेक्ट करते हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर जाते भी है, और जो द वन होता है, जो उनको लगता है क्या अवतार है, उसको ढूंढने में अपना प्रयास लगा देते हैं। तो यही होता है कि जो मॉर्फियस नामक जो व्यक्ति होता है, ये जो नियो रहता है, जो एंडरसन रहता है, उसको वो भी ढूंढते ढूंढते पता कर लेते कि यह है, और मॉर्फियस का पूरा विश्वास होता है कि यही नियो है। तो यही कहते हैं, उनको मैसेजेस ये भेजते हैं नियो को कि भाई द मैट्रिक्स हैज यू, मतलब उसको बताते कि तुम जो जहाँ पे जी रहे हो वो कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, ये तो अनरियल वर्ल्ड है, ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में तुम अटके हुए हो। और उसको भी ऐसा लगता है यार मैं कहीं पे तो अटका, उसको समथिंग फिशी फैशी तो लगता है, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर रहता है तो उसको सब कुछ होता है, मतलब तो कुछ तो गड़बड़ है इस दुनिया में, उसको भी ऐसा लगता है। तो फिर वो मिलना चाहता है, तो बीच में एजेंट्स को भी पता लगता है उसके बारे में, एजेंट्स उसको पकड़ के लेके जाते हैं, उसके जो शरीर में है एक इंसेक्ट को, माने एक ट्रांसमीटर को, ट्रैकर को वहां पे डाल देते हैं, तो ये इनको भी पता रहता है एक वायरस के बाद भी। तो जब ये उनको मिलने जाते हैं, वायरस जो ट्रिनिटी और उसके साथी जब जाते हैं उसके पास, और उसको मॉर्फियस से मिलाना आता है, तो उसको पहले बोलते हैं कि तुम चूज कर लो इस बात पे, तुम्हें रियली इसमें चलना है आगे कि नहीं चलना है। तो जैसे वो कार से उतरने का प्रयत्न करता है, ट्रिनिटी बोलती है हैव फेथ, तुम वो सब दुनिया ऑलरेडी देख चुके हो, मल्टीपल टाइम तुम भुगत चुके हो, तुम्हें पता है कि ये ठीक से नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें तुम जानना चाहते हो कि सच्चाई क्या है। तो फिर वो वहां पे रुक जाता है, फिर वो उसी के ऊपर वो बंदूक तान देते, बोलते ऐसे क्यों कर रहे, तो बोलते रुको, देन वो उस उनका जो मशीन रहता है उसके जो उनके शरीर में, जो नियो के शरीर में जो इंसेक्ट उन्होंने जो ट्रांसमिटर ट्रैकर डाला रहता है उसको निकाल के वो बाहर फेंक देते, देन इट इज सेफ, देन जाके फिर वो मॉर्फियस को मिलता है। मॉर्फियस को मिलने के बाद मॉर्फियस उसे फिर प्रश्न पूछता है कि तुम्हें सचमुच में जानना है, मुझे पता है कि तुम्हें जरूर तुम्हारे मन के अंदर ऐसा कुछ तो चल रहा है जिससे तुम्हें पता लगाने का तुम प्रयत्न कर रहे हो, क्या यह जो दुनिया जो है, क्या यह दुनिया सही है या कुछ इसमें समथिंग गड़बड़ है, ये ठीक से रियल मुझे लग नहीं रही है, तुम्हारे मन में भी प्रश्न है, तुम भी इसका ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हो, मैं तुम्हें इसमें हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक डिसीजन लेनी पड़ेगी, फाइनल डिसीजन। तो वो दो गोलियां दिखाता है, एक रेड कलर की गोली दिखाता है और एक
ब्लू कलर की गोली दिखाता है, ब्लू कलर की गोली तुम खाओगे तो तुम जाके अपने बेड में अपने आप को पाओगे, यू विल बी अगेन इन दैट मैट्रिक्स, तुम अपनी डेली रूटीन ऐसे ही एक स्वप्न से जागे ऐसे तुम उसको कंटिन्यू कर पाओगे। यदि तुमने ये गोली चूज कर ली तो इसका मतलब है तुम मैट्रिक्स से मुक्त होना चाहते हो, और फिर हम तुम्हें हेल्प करेंगे इससे मुक्त होने के लिए। तो जैसे ही वो रेड गोली खा लेता है, वह एक प्रोग्राम उसके अंदर लोड हो जाता है, और वो प्रोग्राम उसको हेल्प करता है उसकी रियल बॉडी को ढूंढने के लिए, बिकॉज वो रियल बॉडी तो अभी तक तो मूवी में दिखाई नहीं थी, क्या करते हैं बोलती है तुम्हें तुम्हारी रियल बॉडी ढूंढने में मदद करेगा। तो उसको प्रोग्राम रीलोड जैसे हो जाता है, वो अपने आप को पाता है कि वो अपनी जो शरीर जो रहता है वो एक कैप्सूल के रूप में वहां पे दिखाया गया है, वहां पे वो शरीर पड़ा होता है, और उसके जो ये होते हैं उसको तोड़ के, जो कैप्सूल होता है उसको तोड़ के वो अपने आप को बाहर कर लेता है। जैसे ही मशीन दिखती है कि इसका कनेक्शन यहाँ पे टूट चुका है, मशीन उसके सारे डिस्कनेक्ट करके उसको छोड़ देती है, फेंक देती है अपने सिस्टम से बाहर, वो जाके एक नाले में वहां पे गिर जाता है। और फिर जो रियल वर्ल्ड में जो मॉर्फियस, ट्रिनिटी, साइफर और उनके जो साथी रहते हैं वो सारे आके फिर उसको उठा के लेके अपने जो उनका स्पेसशिप जो रहता है, जो डिजाइन रहता है मॉर्फियस ने तैयार किया हुआ, उन्हीं में अलग अलग प्रकार की मशीनें भी रहती जो मैट्रिक्स को कनेक्ट करने में सक्षम रहती है, वहां पे उसको लेके जाते हैं, फिर उसकी बॉडी को थोड़ा रिकवर होने देते हैं। अभी अभी जैसे ही बाहर आया कैप्सूल से तो उसकी बॉडी उतनी तरह से फिजिकल मूवमेंट्स के लिए रेडी नहीं होती है, तो उसको थोड़ा रिकवर होने देते हैं। उसके बाद में उसको काफी सारा वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे जब ट्रेनिंग उसको देते हैं तो सबसे बड़ा चीज उसको क्या सिखाना होता है कि फिजिकल वर्ल्ड में तो ये तुम हो, लेकिन जाके तुम्हें यदि मैट्रिक्स के अंदर घुस के तुम्हें एजेंट से लड़ना है तो तुम्हें अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से बढ़ा लेना पड़ेगा, उस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी को तुम्हें अपने आप को महसूस करना पड़ेगा। और कैसे कह सकते हैं, तो बोले जब तक तुम्हारे मन में कुछ अटकाव है, जब कुछ कॉन्सेप्ट्स है, तब तक तुम अपने माइंड को फ्री नहीं कर सकते, तब तक ये तुम्हें संभव नहीं होगा। तो दिस आल्सो वेयर योगशिष्ट कम्स इन टू पिक्चर, दैट कि आत्म पाना है, जानना है, तो तुम्हें अपने मन को पूरी तरह से डिसॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बोलते हैं तुम्हारे मन को तुम्हें फ्री करना पड़ेगा, माने जैसे कि एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग से कूदना है, तो हम लोग कूद जाएंगे क्या? अपने मन को तो पता है कि यार नहीं कूदे तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तो नहीं कूदते हम लोग। तो ये जो मन है, यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारा मन यदि चाहता है तो तुम जरूर कूद सकते हो, बिकॉज ये जो दिख रहा है, यह दुनिया जो है यह इमेजिनरी है, जस्ट सॉफ्टवेयर। यहाँ पे अनलिमिटेड पावर्स तुम्हारे पास हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को रोक लेते हैं। इसमें और एक कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जिस तरह से यदि कुछ मैट्रिक्स के अंदर कुछ होता है, मैट्रिक्स के अंदर आपको गोली लगती है, कोई आपको मारता है और आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पे मर गए, तो रियलिटी में जो बाहर जो है वो इंसान भी वहां पे मर जाता है। कैसे? तो मॉर्फियस कहता है कि द माइंड जो रहता है इट मेक्स इट रियल, ऑल्दो ये कल्पना होती है उसके बावजूद भी माइंड उसको रियल बना देता है, रियल में भी तुम यहाँ पे मर जाते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें वहां पे भी अपनी पूरी शक्तियों को रखते, अपने आप को जिंदा वहां पे मैट्रिक्स में भी रखना ही है। तो ये यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया। फिर वो बोलते हैं ठीक है, फिर उसको पूरी तरह से ट्रेनिंग देते हैं, एंड देन दे सी कि यस यार ये बहुत तेज है। तो ऐसे करते 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 एक दिन वो डिसीजन लेते हैं कि इसको आपको ओरेकल के जाके उसको मिलाना चाहिए। बीच बीच में और भी चीजें दिखाते हैं, वो जो उनका और एक साथी रहता है, जब उन्होंने सिमुलेशन प्रोग्राम बनाया रहता है, मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स के बाहर जो होता है, जो प्रैक्टिस करने के लिए होता है, उसमें वो देखते हैं, तो वहां पे वो एक रेड लेडी करके नामक दिखाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से काम वासना, किस तरह से अलग अलग विकार होते हैं, वो भी उनमें उत्पन्न होते ही है, वो मैट्रिक्स के अंदर तो नहीं, लेकिन मैट्रिक्स का जो ये लोग सिमुलेशन बनाते हैं उसमें उनका जो एक साथी रहता है उसी ने उसको डिजाइन किया रहता है, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया। तो ये सारे जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये भी सारे यहाँ पे दिखाए, सारे विकार जो मैट्रिक्स में भी यहाँ पे डाले गए ताकि इंसानों को लगे कि यह रियल वर्ल्ड है, इस तरह से। तो फिर आगे बढ़ के फिर ये स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर ये आगे जाके वहां पे और एक चीज दिखाई गई कि इनके जो साथीदार रहता है, एक साइफर नामक साथीदार जो था, जिसको मैट्रिक्स में ये लोग रीगन के नाम से जानते हैं, वो साथीदार फुटीरवादी होता है, उसको कहता है यार ये मैं बाहर आया गया हूँ, रियल वर्ल्ड में आ गया हूँ, यहाँ पे ना अच्छा खाना ये लोग खाते हैं, और चार पांच लोग, 10-12 लोग दिखते हैं, कोई कुछ नहीं करते, सारा इनका जो ह्यूमैनिटी को बचाना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है यही करते रहते हैं, इस यहाँ पे कोई थ्रिल नहीं है,
एक्शन नहीं है, मैं तो यहाँ पे बोर हो गया, रियल वर्ल्ड को बोलता है बोर, मुझे जाके बोलता है कि मेरे को तो, मैं तो उधर ही ठीक था, अनरियल तो अनरियल उधर ही था, मैं कुछ तो कर तो रहा था सब कुछ, लेकिन मेरे को अभी इस बार मेरे को जाऊंगा उधर, तो बोलते मेरी बॉडी को उसमें फिर से कैप्सूल में डाल देना, मेरे को इसका हिस्सा बना देना, मेरे सारी मेमोरीज को इरेज कर देना, मेरे को पता ना रहे, लेकिन मुझे एक्टर वगैरह बना देना ताकि मुझे सारा ऐश्वर्या मुझे मिले और मैं वहां पर ऐश्वर्या की जिंदगी, कितना देखो उसको बुद्धि की दया थी उसकी बुद्धि के ऊपर कि वो अनरियल वर्ल्ड को छोड़ के वो अपने अनरियल वर्ल्ड में बसने के लिए तैयार है, और उसके बदले में जो एजेंट्स रहते हैं उसको मॉर्फियस के बारे में जानते हैं, बिकॉज मॉर्फियस का पता इनको क्यों चाहिए होता है, मॉर्फियस के पास वो कोड होता है ज़ियान वर्ल्ड का, जो ज़ियान वर्ल्ड के जो मेनफ्रेम कंप्यूटर था उसका कोड मॉर्फियस के पास होता है, इसलिए वो मॉर्फियस को पाना चाहते हैं ताकि वहां पे जाके उसको नष्ट कर सके, लेकिन स्टोरी यहाँ पे फिर दिखाई गई आगे बढ़ती है स्टोरी की, जो मॉर्फियस होता है वो अपने नियो को ओरेकल के पास लेके जाता है, तो जब ये ओरेकल के पास लेके जाता है तो देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वहां पे ओरेकल से मिलने के लिए वहां पे प्रतीक्षा करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पे एक बच्चा दिख गया कि बच्चे के पास एक स्पून रहता है, और जो बच्चा रहता है उसके हाथ में जो स्पून रहता है नियो उसको देखते रहता है, और उस स्पून क्या होता था बेंड हो जाता है, तो इसको तो आश्चर्य लगता है कैसे स्पून को इसने बेंड कर दिया, इसके पास क्या पावर होगी, तो जब वो बच्चे से बात करने जाते हैं तो बच्चा बोलता है डोंट ट्राई टू बेंड अ स्पून, इट इज इम्पॉसिबल टू बेंड अ स्पून, तो इसको बड़ा और भी ज्यादा आश्चर्य लगता है कि एक बोल क्या रहा है, अभी अभी तो इसने मेरे सामने किया बोल, और फिर मेरे को भी बोल रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू बेंड अ स्पून, तो बोलते हैं ऐसे एक्चुअली तुम जहां पे हो जिस चीजको तुम स्पून समझ रहे हो इन रियालिटी ये स्पून है ही नहीं, हाँ? जब ये है ही नहीं तो तुम जो चाहोगे इसके साथ होगा, इसको देखो तुम, यू नो द ट्रुथ बिहाइंड द बेंडिंग ऑफ द स्पून, तब ये भी नियम पकड़ता है अपने हाथ में, इसके पास तो होते ही है तो थोड़ा बहुत तो जानता है, वो भी अपने स्पून को बेंड करने में सक्षम हो जाता है, इस तरह से दिखाया गया है, तो बोलते नेवर ट्राई टू बेंड द स्पून, बोलते यू थिंक इट इन योर माइंड कि ये स्पून है ही नहीं, जब वो है ही नहीं तो फिर तुम जो चाहोगे उसके साथ हो सकता है, कैन इजिली बेंड इट, जो है ही नहीं उसको बेंड करना क्या और नहीं करना, सो ये भी एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से हम लोग मन में उलझते हैं, या फिर योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव भी आता है कि सारा वर्ल्ड जो है वो अनरियल वर्ल्ड है, इसको तुम एक अनरियल वर्ल्ड के भांति ही देखो तो फिर तुम्हारा मन भी इसमें अटका नहीं रहेगा, ये उसके पीछे कॉन्सेप्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो बना लेते हैं यह स्पून है ये बेंड नहीं होगा, ऐसे देखने से बेंड नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट से बना लिए ना उनके बारे में, वस्तुओं के बारे में अपने मन से ही प्रोजेक्ट किए वस्तुएं हैं, उसके बारे में अपने ही नियति के अनुसार जो उसके जो भौतिकता के अनुसार उसके हमने अपने मन में कॉन्सेप्ट बना लेते, जानते हैं कि स्पून है ऐसे तो बेंड नहीं होगा, तो कभी नहीं बेंड होगा वो, तो बोलते ये है ही नहीं अनरियल ऐसे मान लो, देन यू कैन गो बियॉन्ड दैट माइंड, देन यू कैन ब्रेक दैट कॉन्सेप्ट एंड देन गेट एक्सेस टू मोर सटल मोर इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ये बताया, फिर जाके है फिर वही ओरेकल से वो मिलता है नियो, वो हर किसी को वो इस तरह से ओरेकल जो होती है सॉफ्टवेयर का ही प्रोग्राम देती है इनका, लेकिन दिखाती है ऐसे कि कुछ ह्यूमंस की वो मदद कर रही है, तो ऐसे वो बताती है हमेशा कि वो भविष्यवाणी करती है, से हमेशा बताती है जताती है, जबकि उसको कोई भविष्यवाणी वगैरह नहीं करती, वो सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा रहती है, इंसानों को बेवकूफ बनाने का उसका काम रहता है, ताकि उनको वो जो वन रहता है जो सॉफ्टवेयर के अंदर मैट्रिक्स के अंदर एनोमली रहती है घूमता रहता है, मैट्रिक्स वाले कभी उसको पकड़ नहीं पाते, ये इंसान ही सिर्फ उनको ढूंढ सकता है, इसलिए वो इंसानी की मदद करती है, असलियत में उनका पर्पज रहता है कि द वन को इसको फाइंड आउट करके देन इसको कुछ और ऑप्शन दे दे चूज करने के लिए, ताकि यह इस इंसानों की दुनिया को ऐसे ही रूल करते रहे, इनको ऐसे ही बना बेवो को बनाते बनाते अनरियल वर्ल्ड में इनको इस तरह से मशीन यूज, इतना मशीन इंटेलिजेंटली सोचते, लेकिन जो होता तो है इंसान ह्यूमन माइंड इज मच मच मोर पावरफुल देन मशीन्स, इस तरह से है तो वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढ ही लेता है, तो वो बाद में जब रिलोडेड एंड रिवोल्यूशन आता है उस वक्त तो करेगा, लेकिन राइट नाउ जो रहता है जो नियो जो रहता है उसको बताते हैं कि उसको ही पूछती है ओरेकल क्या तुम्हें लगता है तुम, तो उसको तो लगता है मुझे तो नहीं लगता कि मैं हूँ, बोलते नहीं नहीं तुम्हारे अंदर को पावर है, उसको जताती है तुम्हारे अंदर पावर वो है, यू आर द वन, एंड देन बोलती है और एक चीज बताती है जो मॉर्फियस है, मॉर्फियस तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार होगा, लेकिन तुम्हें चूज करना पड़ेगा मॉर्फियस को बचाना या खुद को बचाना, तो ऐसे ही होता है जैसे ही वो वहां से ओरेकल के मिलके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एजेंट उनके ऊपर अटैक कर देते, बिकॉज ये साइफर जो रहता है वो साइफर
उस फोन को भी ब्रेक कर देता है, वो खुद ही वहां से मैट्रिक्स के निकल से बाहर चला जाता है और वहां पे जो उनके जो साथी रहते हैं उनको एक एक करके उनका कनेक्शन निकाल के उनको मैट्रिक्स के अंदर ही बाहर डालता है। फिजिकली वहां से कनेक्शन निकाल गया तो वो मैट्रिक्स में मर जाते हैं, यह कॉन्सेप्ट दिखाया गया। तो फिर कुछ लोगों को मारता है, लेकिन जब वो जाता है मारने के लिए तब जो ट्रिनिटी रहते उसको फोन करता है, उससे बात करता है, कनेक्टेड तो रहता है, बात तो कर सकता है। तो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है नियो के बारे में, तुम क्या सोचती हो, डू यू रियली बिलीव? तो ट्रिनिटी हाँ बोलती है, ये बोलता है यदि तुम्हारा सचमुच में सही है तो ऐसा कुछ मिरेकल होगा जिसकी वजह से नियो को मैं भी मार नहीं पाऊंगा। यही होता है, जो टैंक जो रहता है जो वहां पे मैट्रिक्स से बाहर रहता है वो आता है वहां पे, वो समाउ जिंदा रहता है और आके वो लेजर गन से उसको मार डालता है, माने साइफर खत्म। अभी टैंक इज देयर, हु इज ऑपरेटर, हु इज ऑपरेटिंग ऑल दिस थिंग्स, ह्यूमंस का जो बनाया हुआ बाहर का जो स्पेसशिप है जिसके वजह से ये जो ह्यूमंस है दे हैव एंटर्ड इनटू द मैट्रिक्स। अभी वो लोग सब लोग मैट्रिक्स में, ट्रिनिटी भी मैट्रिक्स में है, मॉर्फियस भी मैट्रिक्स में। तो ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं, एजेंट्स कामयाब हो जाते हैं मॉर्फियस को पकड़ने में, फिर ये लोग सब उसमें से बाहर आते हैं। फिर जब जैसे वो टैंक सजेस्ट करता है कि अभी तो ये हो गया, अभी मॉर्फियस से कोड उगलवा लेंगे और अपने जियान को ये नष्ट कर देंगे, मानव जाति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, अपने पास एक ही सोल्यूशन बचता है कि मैं ये बाहर की जो कनेक्टेड मॉर्फियस है उसके जो निकाल दूं तो मॉर्फियस वहां पे मर जाएगा, कोड उनको मिलेगा नहीं, तो अपनी दुनिया बच जाएगी, ये एक सोल्यूशन है। तो जो नियो बोलता है नहीं, मुझे ओरेकल ने कुछ तो बताया था कि मॉर्फियस जान देने को तैयार होगा मेरे लिए, लेकिन मेरी चॉइस रहेगी कि मैं अपने आप को कुर्बान करूं या मॉर्फियस को बचाऊं या अपने आप को बचाऊं। तो मैंने डिसीजन लिया है कि आई विल गो एंड सेव द मॉर्फियस, मेरे को बिलीफ है, ट्रस्ट। यहाँ पे जो श्रद्धा का जो पार्ट है वो वहां पे पिक्चर में आता है कि आपको ही इज हैविंग फेथ इन हिमसेल्फ। अक्सर हम लोग अपने आप के ऊपर ही डाउट करते हैं, अपने आप को फेथ नहीं करते, बट जो नियो रहता है उसको अपने आप के ऊपर विश्वास रहता है, उसको मॉर्फियस के विश्वास के ऊपर विश्वास रहता है, श्रद्धा वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे मैं देखने पड़ता। तो जाता है बोलता है कि मेरे को कनेक्ट कर दो, तो जो ट्रिनिटी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, आई विल ऑल्सो कम, हम दोनों मिलके वहां पे जाके मॉर्फियस को बचाएंगे। दोनों जाके मैट्रिक्स के अंदर घुस जाते हैं, फिर वहां पे दिखाया कि उनको सारे आर्म्स वगैरह वो टैंक जो रहता है वो दे देता है और उनका सारों का प्रभाव करके वह एक वन बाय वन सबको मार के उस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ के फाइनली एक हेलीकॉप्टर दिखाया गया है, जो हेलीकॉप्टर को चलने का प्रशिक्षण इसको होता नहीं है, बोलते B12 का मुझे प्रशिक्षण दो, तो इमीडिएटली जो अपना टैंक रहता है उसको सॉफ्टवेयर के जरिए उसके माइंड के अंदर उसका प्रशिक्षण डाल देता है, शी कुड ड्राइव, वो पायलट बनकर उसको चला सकती है। तो फिर वो दोनों जाते हैं, इस तरह से दिखाया कि जो उसके पास पूरे मशीन गन बड़ी से रहती है उसके ऊपर से वो सारा अटैक करता है मॉर्फियस को, वहां पे फ्री करता है मॉर्फियस भी अपने इसको साथ ली जो रहती चैन रहती इसको तोड़ के वहां से आता है। तो दिखा है कि किस तरह से ऑल द एडवेंचरस थिंग, और दिखा है कि मॉर्फियस वहां से वो कूद जाता है, ये भी उसको पकड़ लेता है और फाइनली ये ट्रिनिटी की भी कैसे जान बचा लेता है। देन वो वहां पे कहते हैं, उसने बोला नहीं था, ही इज द वन, ही इज द उपकारा, ही इज द इंकार्नेशन, ही इज द वन, ही इज द सुप्रीम मसीहा, इसको बोला है। तो उस तरह से यहाँ पे दिखा है कि इस तरह से, तो फिर जाके फिर वो वहां पे से निकलने में कामयाब होने ही वाले होते हैं, तो मॉर्फियस निकल जाता है, ट्रिनिटी निकल जाती है और वो जैसे ही वो निकलने वाला होता है नियो, ये तीनों आके एजेंट आके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये तीनों एजेंट्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं तो ये भी उनसे फाइट करता है, तो ये भी काफी पावरफुल रहता है, अब कैसे तो भी करके अपने बचाता है। फाइनली वहां से भागता है, दौड़ता है, 303 नंबर के रूम में उसको जाना होता है जहां पे फोन रिंग करके जब उठा लेगा तो ही विल ऑल्सो कम बैक आउट ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह से होता है, जैसे ही भागते 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 भाग रहा होता है ना, भागने का मतलब ये कि वो लोग मुझे मारेंगे और मुझे भागना है, ये भागने का जो डर उसके मन में रहता है उसी की वजह से लफड़ा हो जाता है। वो जैसे 303 नंबर का ये खोल देता है, वहां से वो एजेंट उधर ही पहुंच चुके होते ऑलरेडी, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर देते, तो उसको लगता है मेरे को इतनी सारी गोलियां लग गई अभी तो मैं मर गया, उसको लगता है कि मैं मर गया, उसकी सांसें वहां पे रुकते हुए दिखाई देती है। फिर यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे आता है कि प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, लव होता है, वो सबसे बलवत्तर होता है, दैट इज द वेरी पावरफुल थिंग। तो जो ओरेकल रहती है, वो ओरेकल ने इसको कहा रहता है अपने ट्रिनिटी को कि तुम जिसके साथ प्यार करोगी, तुम्हें जिसके साथ प्यार हो जाएगा वही नियो रहेगा, वही नियो द वन रहेगा, वही मसीहा रहेगा।
वही आपका अवतार रहेगा। तो उसको जाके किस करती है, वो एक्सप्रेस करती है कि आई लव यू सो मच, आई नो दैट कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही वो किस करते थे, मेडिकल साइंस के परस्पेक्टिव से जो ब्रीदिंग हम लोग करते किसी को देते हैं, जब उनकी सांस रुक जाती है ऐसे कुछ प्रक्रिया होती है, और उसकी वजह से वहां पे वो उसकी सांसें चलने लगती है। फिर इसके बाद में दिखाया गया है कि वो उसके ऊपर गोलियां बरसाते हैं, वो इस तरह से हाथ करता है, गोलियों को रोक लेता है, माने वो खुद को पूरी तरह से पहचान लेता है। तो जब वो ओरेकल से मिलने जाता है तो अपने एक स्लोगन भी लिखा रहता है, उसका मतलब रहता है नो यूर सेल्फ, अपने आप को पहचानो कि तुम रियलिटी में कौन हो। वो अपने आप को पहचानो, तो अपने आप को जब पहचान लेता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर तो वो उनके साथ ऐसे ही एक हाथ से भी लड़ाई करते हुए दिखाई देता है। ये रियलाइज द रियल ट्रुथ बोलता है, ये तो अनरियल वर्ल्ड, ये सारी गोलियां भी अनरियल है, मेरे कंट्रोल में, मैं रुकूंगा तो रुक जाएगी। सचमुच में गोलियां वैसे ही रुक जाती है और तीनों को वहां पे मार देता है। और इस तरह से वो यहाँ से दिखाया कि वो मुक्ति है। फिर वो बाहर आते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम लोग इस ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से मुक्त करेंगे, और वो अपने प्रयत्न को जारी रखते हैं। वहां पे द मैट्रिक्स नाम की मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। रीलोडेड में अगला पार्ट आएगा और फिर रिवॉल्यूशन में अगला पार्ट आएगा। तो इसके ये तो थे मूवी का प्लॉट। इस तरह से तो आपने कैरेक्टर भी देख लिए, मूवी का प्लॉट भी देख लिया, फिर यहाँ पे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी हमने देख लिया कि जो मैट्रिक्स जो दिखता है इन रियलिटी, ये मैट्रिक्स जो रहता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहता है, उसका 6th वर्जन रहता है। इसके अंदर जो मशीन्स रहते हैं वो मशीन्स आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हासिल करके सारी ह्यूमैनिटी पर कंट्रोल कर लेती है। तो मशीनों का राज रहता है, 21वीं सदी में पूरा मशीनों का यहाँ पे राज रहता है। ओरेकल जो रहते हैं, ओरेकल भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही रहती है। लेकिन उसके बाद में जो नियो रहता है इन रियलिटी, वो सॉफ्टवेयर में वो एक एनोमली के रूप में का रहता है फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, और जिसके पास सोर्स कोड रहता है, तो इसीलिए वो उसके ऊपर काबू पाना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कहते हैं कि ओके एक मसीहा है, एक सुप्रीम पावर है, जैसे हम लोग अवतार कहते हैं ना, विष्णु के अवतार कहते हैं, राम का अवतार हो गया, परशुराम का अवतार हो गया, पूर्व अवतार हो गया, ये सारे जो अवतार दिखाते हैं इसी तरह से बोलते ये अवतार के रूप में ही आता है और ये ह्यूमैनिटी को बचाता है, ये स्पिरिचुअल उसका एंगल हो गया। देन उसके बाद में जियोन नामक जो दिखा है उनकी जो इंसानों के ऊपर वहां पे दिखा है। देन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देर इज अ कनेक्शन, देर इज अ सॉफ्टवेयर, एंड देन बाहर से सॉफ्टवेयर में घुस पाना, हैक कर पाना मशीन्स, और उसके जरिए कनेक्शन पाना, दिस इज ऑल साइंटिफिक चीजें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है, उनको ये सारी चीजें डेफिनेटली पता है कि किस तरह से इनको प्रैक्टिकली किया जा सकता है। नाउ लेट अस लुक एट द योग वशिष्ठ पर्सपेक्टिव एंड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द मूवी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो बताया कि एक तो बताए थे कि कुछ तो रियल वर्ल्ड है और कुछ तो अनरियल वर्ल्ड है। तो हम लोग देखते हैं कि जो जगत, जो दृश्य जगत है, ये हो सकता है कि यह अनरियल वर्ल्ड है। वशिष्ठ मुनि तो बोलते कि ये मान लो कि ये अनरियल वर्ल्ड ही है। अनरियल वर्ल्ड किसी को जब हम लोग देख लेते हैं तो ऑब्वियसली उससे मुक्त होने की हम लोग कोशिश करते हैं। मुक्ति होने क्या माने, जो अनरियल वर्ल्ड से जो दुख हमें मिलते हैं, जो अलग अलग प्रकार के भेद बुद्धि जो उत्पन्न हो जाती है, जो अलग अलग प्रकार के काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जो विकार आ जाते हैं, जो अपने मन में न्यूनगंडा आ जाता है, जो इच्छा शक्तियों में फंस के जो रियल में जो काम करना है वो छोड़ के बाकी की फालतू की चीजें करने में हम लोग लग जाते हैं, बोलते इस चीज को अनरियल मान लोगे तो इन सारी चीजों से छुटकारा पाने में आपको मदद जरूर मिलेगी। ये योग वशिष्ठ का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये बताया गया कि जो सुप्रीम चैतन्य, जो परब्रह्म है, शिव है, वो एक ही सत्ता है, एक ही तत्व है, इट्स अद्वैता, देयर इज नो टू, एवरीथिंग एल्स देन दैट अदरवाइज इज अनरियल वर्ल्ड। एक तुम इसमें स्वप्न के बात, किसी और का स्वप्न चल रहा है, उसी स्वप्न के बात तुम इस दुनिया को देख रहे हो। ये योग वशिष्ठ का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मूवी में भी यूज किया है, भले ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन सॉफ्टवेयर में जब वो ह्यूमन को उन्होंने बैटरी की तरह यूज किया तो उनके माइंड को उन्होंने एक स्वप्न ही दे दिया कि एक स्वप्न के बात अनरियल वर्ल्ड उनके लिए क्रिएट कर लिया। तो इसलिए प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि क्या सचमुच में ये जो वर्ड है सिर्फ स्वप्न है या नहीं है, ये एक चीज है। देन बोलते हैं लेकिन तुम्हें इससे से बाहर निकालना पड़ेगा, या यहाँ पे तुम्हें पूरी जो असीम शक्ति है उसका एक्सेस, यदि सटल एनर्जी का एक्सेस लेना पड़ेगा, तो तुमको अपने मन को मुक्त करना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे के वैसे ही यहाँ पे योग वशिष्ठ से इन्होंने उठाया है। मैट्रिक्स मूवी में भी दिखाया कि जब तक तुम अपने आपके मन को फ्री नहीं करते, अपने आप को मन को डिसॉल्व नहीं कर देते, तब तक कई सारी शक्तियां उससे आप परे रह जाते हो, आप नहीं उसको बदल। जब वो मन को कंट्रोल करना सीख लेता है तो फिर गोलियों को भी रोक पाता है, फिर वो वहां पे
कूद भी सकता है एक बिल्डिंग से दूसरे, मतलब कई सारी असीम शक्तियों का उनको वहां पे एक्सेस मिल जाता है। देन यहाँ पे दूसरा चौथा कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया कि ड्रीम का कंसेप्ट, हमने देखा कि स्वप्न कहते, तो ये जो सारे जो कैप्सूल में जो पड़े रहते हैं वो स्वप्न में ही देखते रहते हैं, ड्रीम में ही इनको दिखाते रहते हैं अनरियल वर्ल्ड के माध्यम से, बोलते इन स्वप्न से इसको बाहर ही नहीं आने देना है, इनको ऐसे ही फंसा के रखो यहाँ पे ताकि हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमें मिल सके। तो जो ड्रीम का कॉन्सेप्ट भी है, कैसे हमने लीला सरस्वती और उनके राजा कैसे स्वप्न के अंदर एक स्वप्न, दूसरे स्वप्न के अंदर तीसरा स्वप्न, कैसे एक स्वप्न के अंदर दूसरा जन्म तीसरा जन्म, ये सारी जो विशेष लाइफ साइकिल जो चलती रहती है एक स्वप्न के भांति होती है, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इन्होंने वैसे के वैसे यूज किया। देन जो फिफ्थ जो चीज लिखा रहता है कि नो यूर सेल्फ, अपने आप को जानो, आप कौन हो, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, जो नियो हमको हमेशा लगता है कि हु एम आई, सचमुच में मैं कौन हूँ, ये जगत सत्य है या नहीं है, कुछ तो और सत्य है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नो योर सेल्फ, ये भी कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे पूरा योग वशिष्ठ से उठा गया है। बोलते तुम अपने आप को जानो, अपने आप को जान लोगे कि तो फिर सारी चीजें अपने आप तुम्हारे फेवर में होने लगती है। देन वहां पे जो रेड लेडी जो दिखाई है वो काम वासना का रूप दिखाया गया है, और बोलते जो पहला वर्जन बनाते हैं मैट्रिक्स का वन का, उसमें तो सबको सब खुशियां देते हैं, कुछ विकार नहीं कुछ नहीं, तो उनको तो सीखने लगता है, वो असत्य लगता है, तो वो जागना शुरू कर देते हैं, तो उनको जगाना नहीं है, सोना है। तो इसलिए सारी चीजें जो लोगों के जीवन में होती है ऐसे रियल वर्ल्ड में होती है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें भी इनबिल्ट मैट्रिक्स में डाल चुकी होती है ताकि इंसानों को लगे उनको मेहनत करना पड़े, श्रीमंत दुखी सुखी सारे भेद, जो पुअर है पुअर गरीब, ये सारे भेद जानबूझ के उधर डाल देते हैं, तुम्हें तुम्हारा मेहनत करना पड़ेगा टू गो टू द नेक्स्ट लेवल प्रमोशन टू अर्न द मनी पेट भरने के लिए, ये सारी चीजें डाल देते हैं उसमें ताकि वो रियल वर्ल्ड उनको लगे। तो यही चीज है, हम लोग रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं किस तरह से इंसानों को इन सारे विकारों ने बांध के रखा है, इससे ही हमें रियलिटी में मुक्त होना है। हम लोग जॉब छोड़ते हैं, दूसरी शादी करने निकल जाते हैं, एक गर्लफ्रेंड छोड़ देते हैं, दूसरा बॉयफ्रेंड पकड़ते हैं, सारी सारी अननेसेसरी की चीजें करते हैं, भाग जाते हैं इसको छोड़ के, संन्यास ले लेते, कुछ तो करते रहते हैं इससे मुक्ति पाने के लिए। इफ यू आर टोटली अवेयर और आपने अपना बिल्कुल अवेयरनेस में होकर सब चूज कर रहे हो तो देन इट्स ओके, बट लोग अक्सर इग्नोरेंस में ये सब कदम उठा लेते हैं, सत्य क्या है जानते नहीं है, उनको लगता है ऐसा करने से मुक्ति मिल जाएगी, इससे छुटकारा मिलेगा, जॉब चेंज कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उनको लगता है कि इससे बदलाव होगा, लेकिन इससे उनको जो काम क्रोध लोभ मद मोह सारी विकारों से नहीं उनको छुटकारा मिलता, वो अटके ही रहते हैं। इसलिए बोलते कि तुम सच्चाई को देखो, इसको देखो, और बोलते जब इसका एक्सेस जब तुम्हें मिल जाता है, अपने आप को जान लेते हो, तो एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी जो रहते हैं, जो आत्मा जैसे उसके पास सब ज्ञान उपलब्ध होता है, उसके पास बहुत असीम शक्ति का वो रूप होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं ना शिव जो होते हैं, उनके पास वो जब शांत बैठे रहते हैं तब कुछ नहीं, न्यूक्लियस का जो जैसे ही न्यूक्लियर पावर को ब्रेक कर देते हो आप, इनफाइनाइट शक्ति न्यूक्लियर पावर एटॉमिक एनर्जी वहां पे होती ही असीम शक्ति होती है, तो उसका भी तुम्हें एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे योग वशिष्ठ का कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे मूवी में भी दिखा है जो नियो रहता है उसके लिए। तो ये दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर साइंटिफिक एस्पेक्ट जो रहता है रोबोट्स ह्यूमनाइड्स सॉफ्टवेयर, उसके वर्जन्स अलग अलग चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज ऑल द साइंटिफिक साइड ऑफ द स्टोरी। योग वशिष्ठ की जो स्पिरिचुअल सोसाइटी दो विच वी हैव जस्ट नाउ सॉ, तो ये सारी चीजें अपने को भी पूरी तरह से हमारा कवर हो जाता है यहाँ पे कि किस तरह से ये मैट्रिक्स मूवी योग वशिष्ठ के ऊपर पूरी बेस्ड है और इससे हमारे अपने टेकअवेज किस तरह से हो सकते हैं। इसी के साथ इस सत्र को मैं आपके हवाले कर देता हूँ, आप इसके बारे में कुछ व्यक्त होना चाहते हैं, इसके बारे में एक ब्रेनस्टॉर्म सेशन जिस तरह से मॉर्निंग में हमने किया था, बड़ा सुंदर ये ब्रेनस्टॉर्म सेशन रहता है, वन बाय वन वी पास ऑन द कंट्रोल ईच वन ऑफ अस, और हमारे अपने टेकअवेज हम लोग यहाँ पे व्यक्त करते हैं, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ऑल टू यू ऑल अनम्यूट ऑप्शन इज ऑलरेडी बीन मेड अवेलेबल टू यू, आप खुद ही होके अनम्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम देता हूँ, ओवर टू यू, जय गुरुदेव। चैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, कुछ प्रश्न है मन में जरूर, आपने मूवी देखी है और जब मैंने बात किया उस वक्त कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं हुई है, इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्म करके डाउट्स को भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी डन।
जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव मानसी जी, बोलिए। भैया जैसे हम लोगों ने देखा आज, एक मिनट भैया, तुम तो लोगों को भी देखा जी। सो हम लोगों ने जब आफ्टरनून में देखा था, आपने जब प्ले किया था, तो ऐसा हम लोग को समझ में आया कि जैसे मॉर्फियस है वो वी वर ट्राइंग टू यू नो रिलेट टू एवरी कैरेक्टर। लाइक मॉर्फियस वॉज लाइक जो हमारे जीवन में गुरु हैं, जिस हिसाब से वो नियो को बता रहे थे कि बी अवेयर, यू नो बहुत सारी चीजें हम सुनते सुनते, बट जब गुरु जी बोलते हैं तो एकदम से वो एक आहा मोमेंट आता है और एकदम से हमें वो चीज़ यू नो समझ में आती है। कहीं वो होता है, पता है, बट मतलब आई होप आप वो समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अंदर तक एक उतरता है, वो एक चमकती है कुछ चीज ऐसे। तो मॉर्फियस जो है उनका एक समझ में आया कि उनका एक विश्वास है, उनका एक फेथ है कि मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, एंड वो फ्लैग बियरर हैं जैसे हमारे गुरुदेव हैं। वैसे फिर ट्रिनिटी का भी एक रोल समझ में आया जब गुरुजी बोलते हैं कि लव इज आर बेसिक एग्जिस्टेंस, सो लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स। सो मे बी एक वहाँ उस चीज को जो गुरुजी बोलते हैं उसको इस्टैब्लिश करने की, उस एस्पेक्ट को इस्टैब्लिश करने की कोशिश की। बट भैया ओरेकल तो पता नहीं क्यों हमें पॉजिटिव लग रहा था। मतलब आपने जब कहा, अपना पर्सपेक्टिव बताया कि वो भ्रमित करने के लिए या कुछ एक सॉफ्टवेयर ही है, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बट कहीं ना कहीं तो वो गाइड तो कर रही थी ना, क्योंकि अगर उन्होंने ट्रिनिटी को नहीं कहा होता कि द पर्सन हुम यू आर गोइंग टू लव इज द वन, तो वो शी वुडंट हैव डन व्हाट शी डिड एंड नियो वुडंट हैव यू नो वोकन अप एंड रियलाइज्ड। सो वो ही टर्न अराउंड था, टर्निंग पॉइंट था व्हेन शी सेज, व्हेन वो अपना फेथ बताती है, अपना लव एक्सप्रेस करती है, ही वेक्स अप एंड देन ही सीज द मैट्रिक्स। मतलब वो पता चलता है कि अब उसको रियलिटी दिख गई है, एंड देन एवरीथिंग यू नो टर्न्स अराउंड, वो रियलाइजेशन होता है या एनलाइटनमेंट होता है। तो वहां लगता है ओरेकल एक बहुत ग्रे शेड में है, मतलब नाइदर शी इज पॉजिटिव नॉर शी इज नेगेटिव। और हम पूरा दिन ये सोच रहे थे कि हमारे जीवन में ओरेकल कौन है, बिकॉज मैंने ये स्कूल में मैट्रिक्स देखा था, ये मुझे तब से फैसिनेट करती है और ये प्रश्न मुझे तब से आता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि सही में हम लोग भी कहीं इंक्यूबेटेड है और हम लोग भी इसी स्वप्न की दुनिया में। आई यूज टू गेट दिस क्वेश्चन। सो या तो भैया ओरेकल थोड़ा और, मतलब थोड़ा ग्रे एरिया जैसा लग रहा है, आप थोड़ा सा और बताएंगे भैया ओरेकल के बारे में? जरूर मानसी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट जिस तरह से आपने इन कैरेक्टर्स को अपनी जिंदगी में, जो अपने जीवन में जो लोग हैं उनके साथ रिलेट किया। एंड बिल्कुल सही, जो मॉर्फियस है वो मार्गदर्शक के रूप में ही वहां पे होते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ट्रिनिटी का भी जो प्यार का जो कॉन्सेप्ट है कि सुप्रीम है ना, प्रेम तो सुप्रीम है, तो वो भी बहुत सही एस्पेक्ट था। ओरेकल के बारे में जो मन में कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है मन में क्योंकि जो नेक्स्ट जो है ना मैट्रिक्स रीलोडेड है वो अभी तक देखी नहीं है शायद, या जो मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन है वो अभी तक देखी नहीं। इन दोनों पार्ट्स को देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ये ह्यूमंस जो है ना इनको बेवकूफ बनाया जाता है एक्चुअली, कि ये सब नौटंकी करके ये अपने आप को मुक्त कर लेंगे। रियलिटी में होता क्या है कि जब ये जो हमने देखा ना सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, बिकॉज योगशिष्ट का कॉन्सेप्ट से बनी है मूवी, लेकिन जो बनी है उसमें क्या है, उसमें तो ये बिल्कुल साइंस है। इट्स अ साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई अध्यात्म की बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं खुद पर्सनली उसके ऊपर काम कर चुका हूँ इन 1999, आज की बात नहीं। एमटेक का मेरा प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के था, मैंने भी अपने खुद के न्यूरो मॉडल बनाए थे, एक्सपर्ट सिस्टम बनाई थी जो मैंने अपने इस्पात एलॉयज में वहां पे इम्प्लीमेंट की थी, बहुत साल पहले की बात है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात नहीं, इट्स द प्योर साइंस। तो वो जो होते हैं कि जब वो जान लेते हैं, मशीनें इनके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, प्योर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, तो आपको पता लगेगा कि ये जो इन्होंने जो वर्जन बनाया ना, जो मैट्रिक्स जो हमने देखा, ये मूवी में बताया ही नहीं है,
तो ये किसी का भी दोष नहीं है कि उनको नहीं समझ में आता है कि ओरेकल कौन थी, क्या रोल था, बिकॉज मूवी इटसेल्फ हैज नॉट टोल्ड अस. तो कैसे रहा, अभी मेरे को क्यों पता है, मैंने एडिशनल रिसर्च किया उसके ऊपर, आई फाउंड आउट. देन यू ऑल्सो कैन वॉच दैट एंट्रिक्स एंटी मैट्रिक्स करके एक ये है, उसको आप देखोगे तो उसमें उन्होंने पूरा, अच्छा ये मैट्रिक क्यों है, क्या है मैट्रिक्स क्यों, ये क्यों है, वो भी नहीं पता लगता, वो उसका पूरा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा. जो मैंने आज बताया कि बैकग्राउंड क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे पिक्चर में आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो ह्यूमनाइज रोबोट बने जो आज हम लोग देख रहे हैं, विच इज अ रियलिटी फॉर अस टुडे, ऐसे बनते हैं. और फिर आगे जाके यह ह्यूमनाइज रोबोट से क्या करते हैं, दे टेक ओवर, और इमिजिएटली टेक ओवर भी नहीं करते, उनके ऊपर अन्याय होता है, उनको जो राइट्स होते हैं मिलते नहीं है, उसके जाके चलते चलते वो क्या करते हैं, इसको ये करते हैं. अल्टीमेटली जब आपके प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने बताई ऑलरेडी, तो फिर जैसे करते करते वो मशीन पूरे टेक ओवर कर लेते हैं, तो अभी मशीन इतने इंटेलिजेंट है, वो ह्यूमन माइंड को जानते हैं अच्छे से. और ये जब जानते हैं तो पहले बार क्या करते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो फर्स्ट वर्जन होता है, उसमें सब इंसानों को सब कुछ दे देते हैं हाथ में प्लेट में सजा के, तो वो वर्क नहीं करता है, इंसान जागने लगते हैं, इंसानों को आदत नहीं रहती, उनको दे वांट ऑल दिस काम क्रोध लोभ मद मत, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, एडवेंचर चाहिए, उनको नौटंकी चाहिए, झगड़ा करना है, उनको कॉम्पिटिशन करनी है, तब तक उनको लगता नहीं कि. तो फिर वो क्या करते हैं, जब वो नेक्स्ट वर्जन बनाते हैं, तो जो वर्जन जब बनाना होता है वर्जन टू, तो इंसानों का बिहेवियर कौन समझेगा, समझने के लिए वो ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नाम होता है ओरेकल. ये मूवी में बताया ही नहीं है, तो आपको नहीं पता चला, ये किसी का भी दोष नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट टोल्ड इन द मूवी. आई नो इट बिकॉज आई हैव डन मोर रिसर्च ऑन दिस, आई फाउंड इट आउट, सो आई एम शेयरिंग विद यू, विच इज अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव. सो ये लोग क्या करते हैं, जब वर्जन टू बनाते हैं, तो ओरेकल नामक एक प्रोग्राम जानबूझ के बनाते हैं, कौन बनाते हैं, मशीन, मशीन ही बनाती है, मशीन ही कोडिंग, बिकॉज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके पास होता है ना, तो वही खुद मशीन ही बना लेती है ओरेकल को स्थित में. और जानबूझ के ऐसा दिखाते हैं, ये जो बाहर के जो पांच लोग रहते हैं ना, चार पांच लोग, इनको लगता है कि हम लोग ह्यूमैनिटी को बचाने जा रहे, इनको भी खुला इन्होंने ही छोड़ा होता है. दिस इज एडिशनल थिंग विच इज नॉट शोन इन मूवी. ये मशीनें इतनी इंटेलिजेंट होती है बिकॉज इनके पास पावर भी होता है, ह्यूमन के दिमाग से भी ज्यादा पावर चलता है इनका दिमाग, लेकिन फिर वो एक एनोमली जो होती है वो छुटी जाती है, जो जो ह्यूमन आपके पिक्चर में आता है वो सॉफ्टवेयर के एनोमली होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे बाद में. तो ये जो बोलते हैं कि ये जो जब वर्जन टू बनाते थे, ये ओरेकल प्रोग्राम ही वहां पे ह्यूमन को समझ समझ के उनके बिहेवियर को ऐसा जताता है इनको कि आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू. और उसका पर्पज क्या रहता है, मशीन्स को फाइंड आउट करना पड़ता है किसको, जो मैट्रिक्स जो इन्होंने बनाया है, यदि उस मैट्रिक्स को ठीक से चलाना है, तो जो उसके अंदर जो सोर्स कोड जो रहता है ना, जिसके पास रहता है, वो एक ऐसा एनोमली छुट्टी जाता है जिसको मैट्रिक्स खुद फाइंड आउट नहीं कर सकता. अभी मैट्रिक्स खुद फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर उसको, तो बोलते उसको फाइंड आउट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कर सकते. इसके लिए जानबूझ के कुछ लोगों को, मॉर्फियस जैसे कुछ लोगों को पकड़ के खुला छोड़ देते हैं लोग बाहर जानबूझ के. कौन खुला छोड़ देते हैं, मशीन से जानबूझ के उनको खुला छोड़ देते हैं. और फिर ये सब आर्किटेक्ट को पता होता है, जो रिलोडेड आएगा, रिवोल्यूशन आएगा, तो वहां पे आर्किटेक्ट का कंसेप्ट आएगा, जो डिजाइन करता है वो आर्किटेक्ट कैसे, ओरेकल कैसे बात करता है, ये सब सारी चीजें आएगी बाद में. लेकिन अभी के लिए समझने के लिए ही बात कर लेते हैं कि जो ओरेकल रहता है वो एक प्रोग्राम रहती है, उस प्रोग्राम का पर्पज ही रह रहता है कि वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन करे, ह्यूमन को ऐसा दिखाए कि वो असलियत में ह्यूमन की हेल्प कर रही है, ताकि ह्यूमन फाइनली फाइंड आउट करके जो नियो रहता है, नियो माने का द वन, जिसको यहाँ पे द वन कहा गया है, द वन माने दैट एनोमली विच मैट्रिक्स कैन नेवर फाइंड आउट, असलियत में उस द न्यू वन को फाइंड आउट करे, और अल्टीमेटली लेके किसके पास जाए, ओरेकल के पास लेके. वही करते बेवकूफी है, हर बार ये बेवकूफी करते हैं कि वो पकड़ के इतना मेहनत करके ढूंढ के उसको क्या लेके जाते हैं, ओरेकल के पास लेके जाते हैं, और ओरेकल ही उनको गाइड करती है. अल्टीमेटली उनको वो सोर्स कोड क्या पहुंचाना होता है, जाके उसको आर्किटेक्ट तक पहुंचाना होता है इनको वो सोर्स कोड, ताकि फिर वो उसके ऊपर काम करके उस एनोमली को ढूंढ के ये करने में नेक्स्ट वर्जन की कर सके. ये पर्पज होता है उस नियो को ढूंढने के लिए, इसलिए ओरेकल का प्रोग्राम वहां पे फर्स्ट वर्जन के बाद जो सेकंड वर्जन इंट्रोड्यूस होता है वहां पे उसका निर्माण किया जाता है. लेकिन मूवी में अभी तक जो देखा उसमें यहाँ पे
किस तरह से नहीं बताया, जो देखा आपने उसी चीज को आपने परसीव किया, इसीलिए चीज आपको लगा कि यार वो तो हेल्प कर रही है, वो दिखाती है कि मैं हेल्प कर रही हूँ, असलियत में करती नहीं है, ये सीक्रेट है। हाँ ये बोल सकती हूँ ना या तो भैया अगर हम ये देखें तो दिस इज लाइक इट इज इम्पॉसिबल टू कम आउट ऑफ दिस मैट्रिक्स बिकॉज समवेयर मॉर्फियस एट वन पॉइंट सेज, जो कि मुझे बहुत मतलब वो लगा कि आपको सच्चाई तो पता है, सच्चाई पर सच्चाई के पथ पे चलना इज मच मोर डिफिकल्ट। वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट कहा गया यहाँ पे कि आपको सिर्फ मार्ग पता होना इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत सारे लोग को मार्ग पता है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर ले तो हजारों अप्रोचेस दिख जाएंगे मुक्ति के, लेकिन मुक्त होता कौन है, जो चाहे उस पाथ पे वो चलना और सिर्फ पाथ को जानना, इसमें बड़ा अंतर होता है। तो बोलता है इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें पाथ दिखा सकता हूँ, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू नोट इट। और जो आपने प्रश्न का उत्तर है कि कभी फ्री होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, जब उनको दो चॉइसेस दी जाती है, जब ये नियो जब आर्किटेक्ट के पास पहुंचता है तो उनको दो चॉइस दी थी, एक तो चॉइस होती है कि जाके तुम क्या करो, इसको मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दो तो तुम्हारी ह्यूमैनिटी भी नष्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट देता है कि नहीं नहीं तो फिर तुम क्या करो, इसके ऊपर ये ऐसे कर लो, कुछ तो कंट्रोल लो, तो ह्यूमैनिटी तुम्हारी बच जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डू द एफर्ट्स। नेचुरली कोई भी ह्यूमन क्या करेगा, दे नो कि वो ऑप्शन नंबर वन ही चुनेगा ह्यूमैनिटी को बचाने का, तो मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तो उस तरह से मैट्रिक्स भी बना रहेगा और वो उसका नेक्स्ट वर्जन बनाने में उसको ये करेंगे, और फिर से वही। तो ये ऐसे उन्होंने विशेष लाइफ साइकिल, डेथ लाइफ साइकिल डाल दिया है ताकि वो तुम ये ह्यूमैनिटी इसमें फंसा रहे, जानबूझ के फंसा रहे, लेकिन जो नियो रहता है वो तो ह्यूमन रहता है ना, असली रियल में ह्यूमन रहता है, तो वो जब क्या करता है, ऐसे जब होता है तो वो क्या करता है, ना वन ऑप्शन नंबर को चूज करता है, ना ऑप्शन नंबर टू को चूज करता है, तीसरा ही ऑप्शन चूज करता है, बोलता है मैं ट्रिनिटी को बचाऊंगा, प्यार करता है उसके साथ, सो लव लव का एंगल वहां पे दिखा दिया गया, तो वो तीसरा ही ऑप्शन चूज करता है जो मशीनों ने सोचा नहीं होता है, एंड दैट इज वेयर प्रोबेबली दैट लव हेल्प्स। सो ये टू और थ्री रीलोडेड जब देखेंगे और ये देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सो दैट इज द विद बिकॉज ऑफ दैट लव they are able to make themselves free. तो ये revolution तक चीजें समझ में आएगी, तो देख लेना जरूर, या हम ही लोग देखेंगे Saturday Sunday, इसको plan करके देखते हैं, reloaded को भी, next Sunday revolution को भी देख लेंगे, तो चीजें और क्लियर होगी। अभी के लिए let that doubt remain for some time, for 1 week at least, as a surprise. What do you say? Yes, भैया. ओके ग्रेट, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या आप मित्र से कुछ बताना है, शेयर करना है, यू आर वेलकम टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक। भैया मैं उषा कुमार बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। ये मेंशन करना चाह रही हूँ कि जैसे योग वशिष्ठ में जो है राजा जनक पूछते हैं, उन्होंने जो स्वप्न देखा था कि वो खाना खाने बैठे हैं और वो चिड़िया आके उनका खाना ले गई और उनकी नींद खुलती है और वो अपने को राज दरबार में पाते हैं, तो तभी उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि क्या रियल है जो स्वप्न था वो या ये राज दरबार। तो आप हम इसको देख मैट्रिक्स को देखने के बाद इसका क्या आंसर देंगे? हाँ उषा जी, सबसे पहली बात जो राजा जनक की जो कथा योग वशिष्ठ में आती है और जो अष्टावक्र में राजा जनक की जो कथा आती है, वो दोनों कथाएं अलग अलग है। तो यहाँ पे आपने जो रेफर किया वो अष्टावक्र वाले जो जनक राजा रहते हैं उनके मन वो दरबार में बैठे बैठे यह सपना देख लेते हैं कि उनके रोटी अकाल पड़ गया, उनके पास एक ही रोटी है और आधी रोटी है, वो आधी रोटी को भी वो पक्षी उड़ा के लेके जाता है और हा करके देखते हैं तो वो दरबार में उनकी आंखें खुल जाती है। तो ये योग वशिष्ठ का हिस्सा नहीं है, कहानी बिल्कुल आपने सही बताई, सही फरमाई, लेकिन ये अष्टावक्र के जो जनक राजा रहते उनकी कहानी है। खैर ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। या ठीक है, बताएं बताएं।
हाँ कोई बात नहीं, तो अभी इसका यहाँ पे मैट्रिक्स मूवी में किस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, यह आपका प्रश्न है, तो प्रश्न बड़ा रिलेवेंट है, उसका उत्तर हम लोग देखने का प्रयत्न यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया क्या है कि जो स्वप्न में भी जो चीजें होती है लेकिन स्वप्न में जो चीजें लगती, स्वप्न में उनको पूरी भूख लग चुकी होती है ना, दे इज फीलिंग वेरी अंग्री, और जो स्वप्न में भी लगता है कि वो चला छीन के लेके जाते उसकी तरफ दौड़ के आते, और जब उनकी एक्चुअली अवेयरनेस में आते आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है, डे ड्रीमिंग ही होता है, जब वो खुल जाता है, फैंटेसी खुल जाती है, तो उनको अभी भी उनके पेट में पूरी तरह से भूख लगी होती है। वो उनको कंफ्यूज कर देता है कि यार वो रियल नहीं था, वो तो स्वप्न था, तो मैं तो कभी दरबार में बैठा हूं लेकिन मेरे को इतनी भूख कैसे लगी अभी इस मोमेंट में, इतनी कैसे बोले, इतना सत्य कैसे भाषित हुआ मुझे वो सब चीज, और इस बात की क्या गारंटी क्या है कि मैं अभी जो बैठ रहा हूँ या मैं ऐसे कोर्ट में बैठ के मेरा कोर्ट कंडक्ट में दरबार कंडक्ट करा हूँ, ये भी किसी और के स्वप्न का ही हिस्सा हो या मेरे ही किसी और स्वप्न का ही हिस्सा हो, मैं सोया हूँ और मैं ऐसे दिख रहा हूँ कि मैं दरबार चला रहा हूँ, क्या बात गारंटी, क्या प्रमाण है इसका? तो बोलते कोई प्रमाण नहीं है इसका, ये स्वप्न हो सकता है। इसलिए जिस वर्ल्ड का तुम इतना रियल समझ रहे हो उसके पीछे इतना गुस्सा करते हो किसी के ऊपर, किसी का अपना क्रोध कर लेते हो, किसी के ऊपर नाराज हो जाते हो, किसी के ऊपर इतना प्रेम कर बैठ करके बैठ जाते हो, एंटेंगल हो जाते हो, मोहित हो जाते हो, सारे जो विकारों को उत्पन्न कर लेते हो, दुखी के भागीदार बन जाते हो, बोले थोड़े समय के लिए सोच के तो देखो कि रियल वर्ल्ड हो सकता है, इतना क्या अटक जाते हो इसमें, इतना क्या फंसने की आवश्यकता है, थोड़ा अपने आप को देखो, छोड़ो इस वर्ल्ड को, अंतर्मुखी हो जाओ, वहां पे तुम्हें सत्य का पता चलेगा, वहां पे तुम्हें आत्मज्ञान होगा, वहां पे तुम्हें जो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रेम है, आनंद है, तुम्हारे अंदर ही छुपा है, वहां पे तुम्हें जाओ, ये चीज यहाँ पे है। तो इसको यहाँ पे हमने मैट्रिक्स मूवी में किस तरह से दिखाया है, तो जब बोलते मैट्रिक्स मूवी में जब तुम मैट्रिक्स के अंदर घुस जाते हो, वहां पे तुम्हें कोई मारता है और वहां पे तुम्हारा खून निकलता है, तो इन रियलिटी तुम्हारे शरीर से भी यहाँ पे खून निकलता है, वहां पे इतनी भूख लगती है, तो बाहर निकलने के बाद वो उतनी भूख तुम्हें वहां पे लगी रहती। ये कॉन्सेप्ट को इस तरह से यहाँ पे दिखाया है कि जो माइंड जो है ना, तुम्हारा माइंड इतना पावरफुल होता है, वहां पे उस असत्य को भी क्या कर देता है, तुम्हारे रियल वर्ल्ड में सत्य में परिवर्तित कर देता है, इतना पावरफुल मन होता है, माइंड को ही दिखाया है। तो ये वहां का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैसे के वैसे उतारने के लिए उन्होंने मैट्रिक्स में भी दिखाया कि इट्स अ माइंड व्हिच मेक्स इट रियल फॉर यू। आई सी, थैंक यू, बहुत आपने क्लैरिटी से बताया, और तो इसका मतलब इसका अर्थ यही है कि हमें अपना जो मन और माइंड है उसकी अवेयरनेस चाहिए कि हमें वो अगर जो रियल नहीं है और उसे रियल बता रहा है, जो रियल है उसे अनरियल बता रहा है, तो उसे हम समझें। बिल्कुल, ये क्या सही है? हाँ बिल्कुल, सत्य सत्य को इसके लिए ध्यान वगैरह करके ही हम अपने अंदर जा सकते हैं। जब मन स्थिर करेंगे तभी हम अपने मन के अंदर दृढ़ होकर के अवेयरनेस आएगी। इज इट ट्रू? यस yes, आपने बिल्कुल सत्य फरमाया कि जो गुरुदेव ने हमें जो प्रैक्टिस सिखाई है, जो योगशिष्ट के माध्यम से जो ज्ञान मिला है, वो ध्यान धारणा करके, यम नियम अपने जीवन में पालन करके, इस ज्ञान को अपने जीवन में सुन के, इसका पठन करके, वाचन मनन श्रवण निधि ध्यासा, इसको जिंदगी में हम लोग उतारेंगे, गुरु के वचनों के ऊपर चलेंगे, मोक्ष के चार द्वारपाल जो बताए गए, सेल्फ इंक्वायरी जो बताई गई है, साधु संगति करेंगे, इसके साथ हमेशा अपने आप को बनाए रखेंगे, अपनी साधना को जारी रखेंगे, सेवा करेंगे, इन सारी चीजों से जरूर और जरूर वो स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी जब आप अपने आप मन को डिसॉल्व करके अपने साथ में आराम से आनंद स्वरूप साथ में ब्लिसफुल स्टेट में बैठ पाएंगे। जरूर ये तो अनुभव हम कई लोगों का है कि ये हमने अनुभव किया हुआ है, तो जरूर ये पाठ जो आपने बताया बिल्कुल सही है, उससे हम लोग अवगत हो जाएंगे कि सत्य क्या है। हम लोग असत्य को सत्य मान बैठते और सत्य को सत्य मान बैठते, तो उससे उससे तकलीफों के भागीदार बन जाते हैं। तो इसको जान लेंगे, जो परमानेंट है उसको अनुभव कर लेंगे, देख लेंगे कि सारी दुनिया है, बदलती रहती है, हम लोग उसी को सत्य मान के परमानेंट समझ लेते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया वो चेंज हो जाता है, हम भी चेंज हो जाते हैं, उसी को सत्य मान के बैठ जाते हैं, बोलते हैं सब छोड़ो, इससे मुक्त हो जाओ, इस जीवन में आनंद हो के आनंद में शांति में रहो।
सो ब्यूटिफुल सो ब्यूटिफुल, आपको मेरा ग्रेटिट्यूड, और बहुत ही आपने प्योरिटी से बताया और क्लैरिटी से बताया. थैंक यू सर. थैंक यू उषा जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है, कुछ प्रश्न पूछना है, जरूर आप अनम्यूट होकर व्यक्त भी हो सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और एडिशनल टेक अवेज है दैट आल्सो यू कैन शेयर. जैसे मानसी जी ने कितना सुंदर बताया ना कि वो एस्पेक्ट होता है ना, एक एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो ऐसे और भी टेक अवेज आपको लगता है कि हाँ ये भी एक टेक अवे, तो जरूर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट. If not, then आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं, समापन कर लेते हैं, ताकि पुनः एक बार हम लोग कल भी मिल पाए. जय गुरुदेव.